हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज शाम का समय है और घर पर एक नई रेसिपी बनने जा रही है जो बड़ी ही टेस्टी है। वो है पानी के बतासे, और इसको सुन के हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है, इसीलिए इसको पानी की पूरी या पानी बताशे भी कहते हैं। मुझे तो अच्छे लगते हैं पानी के बताशे, और आपको भी हम खिलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं खेत, और खेत से ताज़े ताज़े हरे पुदीना और हरी मिर्च लेकर आते हैं, क्योंकि उससे खूब अच्छा सा टेस्टी पानी पूरी का जो पानी है वो बनेगा। तो आइए चलते हैं खेत, और खेत घूम के आते हैं। दोस्तों, जब भी आप बाज़ार जाते हैं तो आपको बताशे के ठेले मिलेंगे, और लोग चाव से पानी के बताशे खाया करते हैं। पर जब घर में बनते हैं खूब सारे, तो जी भर के बताशे खाने को मिलते हैं। और आज वही दिन आ गया है कि घर में ये पानी के बताशे बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं हम खेत पुदीना और हरी मिर्च लेने। तो आइए तोड़ते हैं ताकि जल्दी से बताशे का जो पानी है वो तैयार हो, और आपको भी खिलाएं पानी के बताशे। ये देखिए, खूब सारा पुदीना यहाँ लगा हुआ है हमारे खेत में, ये देखिए। और हम इसको तोड़ लेंगे पत्ती पत्ती। क्योंकि पुदीने का पानी दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसकी महक तोड़ते हुए पता चल रही है कितना महक रहा है ये। ये देखिए दोस्तों, इतना तोड़ लिया, इतना काफ़ी है। और अब तोड़ेंगे हम मिर्च। मिर्च भी देखिए पास में लगी हुई है। ये देखिए, थोड़ा छोटी है मिर्च अभी, क्योंकि बारिश के मौसम इनके पौधे ख़राब हो गए हैं। फिर भी पानी बनाने के लिए हमको पर्याप्त मिर्च यहाँ मिल जाएंगी हरी, क्योंकि ताज़ी हैं, फ्रेश हैं। तो आइए तोड़ते हैं। दोस्तों, बारिश से पहले ये पौधे खूब बड़े बड़े थे और झमड़े भी हुए थे, और इनमें खूब सारी मिर्च लगी थी, परंतु बारिश की बूंदों ने इनको बेकार कर दिया, और ये अब बेकार हो चुके हैं पौधे। और देखिए, इसमें बहुत छोटे छोटे ही मिर्च लगे हुए हैं, तो इनको अब उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और नए पौधे इनकी जगह पे लगा दिए जाएंगे। तो ठंडियों में हमें फिर मिर्च खाने को मिलेंगे। तो ये देखिए, इतनी मिर्च मिल गई है हमको, और पुदीना भी मिल गया है। अब चलते हैं घर और जल्दी से इसका पानी बताशे का तैयार करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम घर आ चुके हैं खेत से, और देखते हैं घर पे क्या तैयारियां चल रही हैं बताशे की। आइए देखते हैं। ये देखिए, आसी हमको देखकर भागी जा रही हैं और कुछ बताने जा रही हैं हमको क्या हो रहा है घर में। और ये देखिए, बैठ गई। ये देखिए, पानी के बताशे गोलियां बन रही हैं। और आसी, नमस्ते करो। आसी नमस्ते करो सबसे। ये देखिए, सबसे नमस्ते कर रहे हैं आप लोगों से। और इधर देखिए, ये गोलियां बनाई जा रही हैं, अभी बताशे बनेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सूजी, या जिसे हम रवा भी कहते हैं, वो लिया गया, और उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाया गया, या फिर आटा भी मिला सकते हैं आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। फिर ये छोटी छोटी गोलियां बनाई गई और इनको बताशे का आकार दिया गया। और अब ये देखिए, कढ़ाई में बताशे बन रहे हैं। कितने अच्छे तरह से ये बताशे के रूप में आ जा रहे हैं। जब हम लोग ठेले पर खाते हैं बताशे, तो यही मन करता है कि और खिलाते रहें। पर आज घर में जब बन रहे हैं तो खूब जी भर के खाने को मिलेंगे। और इधर थोड़ा मटर भी कुकर में रख दिया गया था पकने के लिए,
तो वो भी पक रहा है साथ में। ये जब ब्राउन कलर के हो जाएंगे तभी इनको निकाला जाएगा, क्योंकि ब्राउन कलर में ये पूरी तरह पक जाते हैं और खाने में भी बड़े ही क्रिस्पी और करारे लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतने बन गए हैं पानी के बताशे, और ज़रा सा इनको चेक करके देखते हैं कि कितने क्रिस्पी और करारे हैं। तो हल्का सा इन पर हम उंगली से दबाएंगे और पता चल जाएगा कि कितने क्रिस्पी और करारे बने हैं, ये देखिए। और अब पानी का जो मिश्रण तैयार किया जा रहा है, सबसे पहले सौंफ ये भुनी गई, और पुदीना जो खेत से लाए थे, और हरी मिर्च उसको फिर धो के इस पर रखा गया, और काला नमक और हींग, ये सब कुछ मिला करके इस सिलबट्टे पर रख दिया गया है और अब उसको पीसा जा रहा है। कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है हरी मिर्च की और काला नमक की, तो अभी से मुंह में पानी आने लगा है। और हमारा मिश्रण अब पिस चुका है। अब दोस्तों इस बताशे के पानी को तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले जो मसाला पिसा गया था वो इसमें मिलाएंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे चम्मच से। देखिए कितना ग्रीन कलर का ये पानी हो गया है, वो पुदीने के कारण ही है, ना कोई इसमें केमिकल और ना ही कुछ इसमें मिलावट है, शुद्ध घर का ये मिश्रण तैयार किया गया है। अब इसमें जलजीरा हम मिलाएंगे, ये देखिए 2 पैकेट जलजीरा मिलाए गए इसमें। और फिर उसके बाद इसमें कटा हुआ एक नींबू, ये देखिए निचोड़ा गया, तो और भी खट्टा सा स्वाद इसमें आएगा, और भुने हुए शंप की महक भी खूब आ रही है। तो देखिए अब इस मिश्रण को जो मटर पकाया गया था और ऊपर से प्याज कटा हुआ, सब इसमें भर करके रखा जा रहा है बताशों में, तो खाने के लिए तैयार हो जाइए। ये देखिए अब ये मटर और ये कटा हुआ प्याज इसमें रख भर के रख दिया गया है, और देखिए आसी खाने आ गई हैं 2 कटोरे लेकर के। तो चलिए बतासे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे बतासे तैयार हैं और अभी इसमें पानी भरा जाएगा, और पानी भर के तब हम लोग खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। देखते हैं कैसे बने हैं ये पानी के बताशे। देखो आसी सबसे पहले उठा रहे हैं कि इनको पहले जल्दी खाने की। देखिए इधर देखें, खा लो खा लो खा लो। तो चलिए आइए टेस्ट करते हैं कैसा बना है। ये देखिए दोस्तों, आप भी खाइए और टेस्ट कीजिए कैसा बना है। बहुत ही अच्छे बने हैं पानी के बताशे, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, पानी इसका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको पानी के बताशे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।